को फिटनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन गेन यहाँ से लेना होता है कि कैसे आप फिटनेस पे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में, ओवरवेट है ना, ओवरवेट ओबेसिटी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग ये समझिए, अगर किसी को भी कोई भी अगर ओवरवेट है, कोई भी बंदा अगर ओवरवेट है, अगर उसे ओवरवेट मतलब यानी कि वेट लॉस की जर्नी में जाना है, अगर वो नहीं गया है या जाने वाला है या जा चुका है, जो भी है, अगर वो सिचुएशन है, तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना होता है, हमें कौन कौन से चैलेंजेस उस समय फेस करना होता है ना। बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आती है हमारी लाइफ में उस समय जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं, जिन कारण जिसके कारण आप लोग हो मतलब हो सकता है आप करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, आपके सामने वो चैलेंजेस आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो सारी चैलेंजेस कैसे आप फेस ऑफ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगी। सबसे पहले अगर कोई भी ओवरवेट है ना, अगर हम लोग कोई भी ओवरवेट हैं और हम लोग अपनी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें। सबसे पहला चैलेंज क्या है, मेंटल प्रेशर। सभी लोगों जो इंसान ओवरवेट है ना, अगर वो उस यानी कि अगर आप सपोज करिए, जो भी अगर आप फिटनेस पे अभी आ गए हैं, एक टाइम पे कभी ना कभी आप ओवरवेट रहे होंगे, तभी आपने फिटनेस के लिए अपना जो भी है किया और अभी आप फिटनेस को अचीव कर चुके हैं, तो उस टाइम आपके पास सबसे पहला जो प्रेशर होता है ना, वो मेंटल प्रेशर होता है। होता है ऐसा, मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में उस टाइम होते हैं। अगर आप मान के चलिए वेट लॉस नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं करना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आपके सामने आती है, जैसे कि अगर आप सोसाइटी में हैं, सभी लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। सोसाइटी में क्या होता है ना कि अगर कोई ओवरवेट है तो लोग उसे मतलब अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, है ना, अजीब तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं, जो भी है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप मोटे हैं, अगर आपका थोड़ा फैट निकला हुआ है, बेली फैट निकला हुआ है, तो लोग आपको टीज करेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि आप इतने मोटे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आपने वो नहीं किया, या अगर आप कर भी रहे हैं तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग कभी पार्टी में गए है ना, पार्टीज में जाते हैं, तो जो लोग मोटे रहते हैं उनको जैसे कि अगर हम लोग कोई मोटे हैं ना, अगर आप पार्टीज में जा रहे हैं, तो अगर आप प्लेट में कुछ खाने के लिए भी ले रहे हैं ना, तो आसपास के लोग आपको है ना अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। वो लोग आपको इस तरीके से दिखाएंगे, इतना खा रहे हो, जैसे कुछ चीज़ें आपने प्लेट में ले लिया, अच्छा ये चीज़ें खाने से ही आप मोटे हुए हैं ना, धीरे धीरे आपका जो है ये फैट हुआ है, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। यानी कि हर जगह लोग आपको नोटिस करते हैं, हर जगह लोग आपको रोक टोक हर चीज़ पे करते हैं, हर चीज़ पे आपको कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है अंदर से। जब हम लोग उस सिचुएशन में होते हैं और लोग आपको जैसे कि टीज करते हैं, अलग अलग नाम से बुलाएंगे, अगर आप हेल्दी हैं, ओवरवेट हैं, तो लोग आपको यानी कि उन लोगों की तरफ से मजाक से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हर्ट फील होता है, हमें बुरा लगता है। जैसे कि आपको गोलू मोलू कह के बुलाएंगे, चुब्बी चिक्स करके बुलाएंगे, इस तरह की अलग अलग नामे होते हैं जो लोग टीज आउट करते हैं, यानी आप कह सकते हैं आपको चिढ़ाते हैं हिंदी में। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा क्या होता है कि जब हम मिरर में रहते हैं, कभी भी अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपने आप को मिरर में जब देखते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है ना, जब लोग बोलने लगते हैं तो अपने आप में एनालाइज हम लोग करने लग जाते हैं। अगर आप मिरर में खड़े हैं, आईना के पास खड़े हैं, तो खुद में लगता है कि नहीं, मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, जो लुक्स होनी चाहिए वो लुक्स में मैं फिट नहीं हो पा रही हूँ, मेरा यहाँ पे फैट निकला है, मेरा वहाँ पे फैट निकला है, ऐसी चीज़ें आप मिरर में जब खड़े रहते हैं तो अपने आप को नोटिस करते हैं, और आप खुद में वो चीज़ें सोचते हैं कि मैं फिट कैसे हूँ, या जो लोग मुझे बोल रहे हैं उन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है। दूसरा क्या होता है, कभी आप मार्केट गए, मार्केट जाते हैं, तो कोई ड्रेस आपको पसंद आ गई हो, है ना, कोई ड्रेस आपको पसंद आ गई हो, लेकिन आप सोच रहे हैं वो ड्रेस तो मेरे अंदर फिट नहीं आएगी क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तो मैं उस ड्रेस को कैसे पहनूं, इस तरह की चीज़ें भी हमारे साथ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हमें हैंडल कैसे करना है। अगर आपको मेंटली प्रेशर है, अगर आपको हर तरह के समाज को हैंडल करना है, सोसाइटी के ओवर थिंकिंग को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है, एंड आप जब इस सारी चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप वेट लॉस करना भी चाहते हैं ना, तो अंदर से टूट जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ऐसा करके होता है। दूसरा क्या होता है, आपको मेंटल लेवल स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेंटल स्टेबल कर लिया ना, अगर आपका मेंटल लेवल स्टेबल हो जाता है, तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ना, हमारे दिमाग के साथ होती है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना, आपको अपना मेंटल स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना मेंटल स्टेबल कर लिया, अगर आप उसे स्टेबल कर लेते हैं, अगर आप मेंटल लेवल को स्टेबल कर लेते हैं, तो आप जीत जाएंगे। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा क्या होता है
कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया ये सारी चीज़ों को आपको डिस्टर्बेंस है, एक तरह का ये डिस्टर्बेंस ही है। अगर आपको कोई बोल रहा है, अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, थोड़ा चेंजेस भी आता है ना, तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे अंदर। आपको लगता है कि नहीं थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर सामने वाला कह के चला जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर खुद में लगने लगता है नहीं सच में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, खुद में ये चीज़ें हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो डिस्टर्बेंस आपको आ रही है, ये सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका फिटनेस को अचीव करना है, आप उसे अचीव कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अलावा, जैसे कि हम लोग अभी सेशन में हैं, ठीक है, अभी हम लोग इवनिंग सेशन में हैं, मॉर्निंग में भी हम लोग रहते हैं। तो होता क्या है, जब हम लोग सेशन में रहते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ हो जाता है, जो भी हमारा शेक न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सुबह के टाइम में जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है हम लोग कर लेते हैं, शाम में जैसे अभी हमारा इवनिंग में डिनर होगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे शेक डिनर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब कभी हम लोग, अगर मान के चलिए हमारा सेशन किसी दिन नहीं होता है, अगर हम लोग कहीं और चले जाते हैं, है ना, किसी के घर पे चले गए या कोई पार्टीज़ में चले गए, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम, कुछ लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट को स्किप कर लेते हैं, यानी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना, अगर यहाँ है तो ब्रेकफास्ट चलो हो जाता है, लेकिन कहीं चले गए तो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं। ये चीज़ें होती है, ये कारण भी आपके जो मैंने कहा उसका, उसके पीछे ये कारण भी है आपका, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे चाय लेते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट के टाइम पे चाय लेते हैं, और उसके साथ या तो बिस्किट ले लिए या रस्क ले लिए या कुछ नमकीन ले लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उस समय होता क्या है, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो दिन भर कुछ खाता नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ, जो भी है एक दो रोटी दिन भर खाती हूँ, सुबह में मेरा ब्रेकफास्ट नहीं, सिर्फ चाय ही पीती हूँ, कुछ तो मेरे अंदर जा नहीं रहा है, तो फिर मैं मोटी क्यों हो रही हूँ या मोटा क्यों हो रहा हूँ, जो भी है फिर मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। होता है ना ऐसा कि कुछ नहीं खा रहे, दिन भर एक दो रोटी सिर्फ ले रहे, तो क्यों मेरा वेट बढ़ रहा है, ये चीज़ें सवाल आती है ना लोगों के मन में। तो ऐसा क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर चाय पीकर ही पेट भर लेते हैं, कुछ खाना पीना कुछ हुआ नहीं, 3-4 कप चाय पी के ही अपना पेट भर लिए। ऐसा भी होता है, आपको ये चीज़ सोचना है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर आप दिन भर खाना नहीं खा रहे हैं या एक दो रोटी सिर्फ खा रहे हैं, अगर आप तीन चार कप जो भी है चाय पी रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ खाना तो नहीं जा रहा है, तो मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। आपको ये चीज़ें नहीं देखनी, आपको नहीं पता है कि चाय के अंदर कितना कैलोरीज है। अगर आप एक कप चाय भी पी रहे हैं ना, तो आपके अंदर कैलोरीज जा रही है, एंड आप बिस्किट एंड नमकीन को तो भूल ही जाते हैं, आप उससे काउंट डाउन करते ही नहीं हैं। तो होता क्या है उस समय में कि आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ें से कुछ तो हो नहीं रहा है, मेरा वेट बढ़ेगा नहीं क्योंकि खाना हम खा नहीं रहे हैं, मोटे नहीं होंगे, लेकिन आपको नहीं पता है खाना से कई ज़्यादा कैलोरीज आपके चाय में हैं। अगर आप 3-4 कप दिन भर में चाय ले रहे हैं, तो आपके अंदर जो कैलोरीज जा रही है ना, वो खाना जो नॉर्मल खाना आप खाएंगे ना घर का, उससे कई ज़्यादा कैलोरीज आप चाय से ले रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपका वेट जो है नहीं घटता है, या वेट अगर हटाना चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है और आप ओवरवेट हो जाते हैं। ये रीज़न है क्योंकि कैलोरीज आ रहा है आपके अंदर, आपको लग रहा है कैलोरीज नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, चाय के द्वारा भी कैलोरीज आ रहा है, आपको चाय के द्वारा भी कैलोरीज आ रहा है, और आप बिस्किट और जो भी नमकीन ले रहे हैं उसके अंदर भी कैलोरीज है, आप उसे भी काउंट करिए। अगर आपको वो कैलोरीज आ रहा है, तो यानी कैलोरीज आपके अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा चीज़ क्या होता है, क्योंकि आप कैलोरीज को काउंट नहीं करते हैं सही से, बिस्किट जो भी आप ले रहे हैं उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर कैलोरीज जा रहा है उसे इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, और लोग क्या कहेंगे, सपोज डैट कि अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो ये सोचता है कि पता नहीं वेट लॉस करेंगे, न्यूट्रिशन खाएंगे, तो आसपास के लोग बोलेंगे क्या मेडिसिन खा रहे हो, है ना, लोगों का ये भी थिंकिंग होता है कि क्या दवाई खा रहे हो वजन घटाने के लिए, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर स्टेप आउट करना भी चाहते हैं, यानी अपना कदम जो बढ़ाना भी चाहते हैं वेट लॉस के लिए, तो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलने लग जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना होगा। कि कुछ कहावत आपने सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बात आप मत सुनिए कि लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, आपको खुद में देखना है कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ों नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें होती है। दूसरा क्या होता है कि जब आप ओवरवेट होते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, जब आप ओवरवेट होते हैं आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं ओवरवेट हो गई या हो गया जो भी है, अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं तो अपने अंदर ही अंदर आप उस बहुत सारी टेंशन आपको खाई चली जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आप हो जाते हैं कैसे करें। आप सीधा से समझिए बात, कभी भी वेट लॉस अगर आपको करना है ना, अगर आप वेट लॉस जर्नी में आना चाहते हैं या वेट लॉस जर्नी में आ चुके हैं ना,
तो मैंने पहले ही कहा है आपको मेंटल लेवल को स्टेबल करना होगा। अगर आपने अपना मेंटल स्ट्रांग कर लिया ना तो आपको कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेगी। दूसरी चीज़ है, कभी भी वेट लॉस को बर्डन मत समझिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसे एक काम समझ के मत करिए, एक बर्डन समझ के मत करिए। रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, और उसे नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में अपनी वर्क करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, घूमते हैं, है ना, जो चीज़ें हम लोग घर में करते हैं वही सारी चीज़ें आपको नॉर्मली वेट लॉस को भी लेके चलना है। आपको ये बटन नहीं समझना है कि अब पता नहीं अब 20 केजी वेट लॉस करना है, कैसे होगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते इतना परेशान हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, करने से पहले ही बोल देते हैं कि हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी एक बटन लेकर नहीं चलना है वेट लॉस को। आप ये समझिए, जैसे आपने वेट गेन किया, अगर आपने खुद वेट गेन किया है तो आप ही वो इंसान है जो वेट लॉस भी करेंगे, है ना। अगर आप वेट गेन कर सकते हैं तो लॉस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझनी है, आपको बटन नहीं लेना है, उसे एक छोटा सा काम समझिए, नॉर्मल इसको डेली लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए अपना, उसे एक एज अ बटन मत समझिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें करने से पहले मत सोचिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, यहाँ से अगर आप कन्फर्म्ड है ना, अगर आप यहाँ से कन्फर्म्ड है, अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको वो चीज़ें करनी है, आपको वो फिटनेस गोल अचीव करना है, तो आसपास के कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर जाए ना, आप हिलेंगे नहीं अपने गोल से। आपके लोग कुछ भी कहे, फैमिली कुछ भी कहे, रिलेटिव्स कुछ भी कहें, आपको हिलना नहीं है अपने गोल से। आपको अपना मेंटल लेवल स्ट्रांग रखना है कि मुझे ये चीज़ें करनी है और मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। दूसरा क्या होता है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, अगर आप कभी भी वेट लॉस जर्नी में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका एक दो महीना भी अगर हो चुका है वेट लॉस की, मतलब अगर आप जर्नी में चल रहे हैं ना, ड्यूरिंग जर्नी, तो जब आप जर्नी में चल रहे हैं तो उस समय अगर आपका कुछ आप वेट लॉस हो रहा है तो कुछ तो चेंजेस आ ही रहा होगा आपकी बॉडी में। हर किसी को चेंजेस पता चल जाता है ना, जो बंदा यूज़ कर रहा है, जो बंदा उस जर्नी में चल रहा है, उसे खुद में फीलिंग आ जाती है कि क्या चेंजेस आई, पहले से क्या मेरे में कन्वर्जन हो रहा है, क्या मेरे में चेंजेस आ रही है ना, ये चीज़ें खुद में पता चल जाती है। तो जब आप मिरर में खड़े होते हैं, जब आप आईने के पास खड़े होते हैं ना, खुद में फिगर आउट करिए, खुद में देखिए, कंपैरिजन करिए, पहले आप कैसे थे और अभी क्या क्या चेंजेस आ रही है, आपको खुद में आपको समझ में आने लगेगा। आप ये कभी मत सोचिए कि पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। अगर ये चीज़ें सोचेंगे ना तो कुछ होगा भी तो समझ में नहीं आएगा कि कुछ हो रहा है एग्जैक्टली। जब आपका पॉजिटिविटी नहीं रहता है ना, नेगेटिविटी अगर आपको रहता है ना, तो क्या होता है, कभी कभी कुछ चेंजेस आ भी रहा है ना, अगर दिख भी रहा है, अगर सामने वाला आके बोल देगा कि नहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो लगता है नहीं सच में कुछ नहीं दिख रहा। अगर आप सच में अपना पॉजिटिविटी रखेंगे, आईने के पास खड़े होकर रियलिटी में देखेंगे कि मैं पहले कैसी थी अभी मैं क्या हूँ, तो आपको फिर लगेगा नहीं सच में चेंजेस आ रही है ना। तो पॉजिटिविटी भी लाना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर पॉजिटिविटी रहती है तो अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आती है, ये चीज़ें होती है। दूसरा क्या आपको करना है, आपको एक टारगेट फिक्स करना है, आपको खुद को एक टारगेट देना है। सपोज डैट कि आप कभी मार्केट गए, अगर आप वेट लॉस में हैं, अगर आपने अभी तक आइडियल वेट को अचीव नहीं किए हैं, करने के तैयारी में हैं, जो भी है, अगर आप मार्केट जाते हैं, कोई ड्रेस है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कोई भी हो, अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, आपको कोई ड्रेस पसंद आएगी, बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, आपको वो पसंद आ गई, अगर आपको वो आपको चाहिए, आपको इतना पसंद आ गया कि आपको वो पहनना है, लेकिन फिर आप अपनी बॉडी देखते हैं, नहीं अब तो वो ड्रेस में मैं फिट नहीं आऊँगी या आऊँगा, जो भी है, तो उस ड्रेस में अब फिट नहीं आऊँगी तो अब क्या करूँ, है ना। तो आप उस ड्रेस को खरीदिए, उस ड्रेस को खरीद के घर में लाइए और अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे उस ड्रेस में फिट आना है। तो फिट आने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे क्या क्या एफर्ट्स लगाने होंगे जो मैं उस ड्रेस में फिट आऊँगी। आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए, टारगेट देंगे ना तो उस ड्रेस को जरूर आप फिट कर लेंगे अपनी बॉडी में। लेकिन अगर आप उस ड्रेस को ये सोच के छोड़ देंगे कि नहीं मैं तो मोटी हूँ, मोटी ही रहूँगी, फिर तो मैं वो नहीं पहन सकती, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप को एक टारगेट देना है और कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको करना है। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हो, बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप वेट लॉस के लिए जो भी डाइट प्लान है, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, व्हाटएवर जो भी है, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी गलती आपकी है। आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप सच में करेंगे, अगर आप सच में एफर्ट्स लगाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका वेट लॉस नहीं होगा। कुछ तो चेंजेस आएगा, बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा ये भी नहीं है, चेंजेस आते हैं। जो लोग वेट लॉस करते हैं उनका वेट लॉस होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही है।
दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे बॉडी में कुछ इंजरीज है या कुछ सर्जरी है इस तरह का, या कुछ इंटरनल इशू है, इस वजह से वेट लॉस नहीं हो सकता है मेरा। लेकिन ये चीज़ें भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ किसी तरह का इशू है, कोई भी प्रॉब्लम भी है, तो भी आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन आपको ये